अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फोन उठाओ और स्पीकर पर डालो। हम सुनना चाहते हैं कि नमन को ऐसी कौन सी बात करनी है जो इतना बेताब है। उठाओ, हम भी जानना चाहते हैं। उठाओ, उठाओ फोन, उठाओ। हेलो सुनैना, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम इतनी जल्दी में निकल गई, तुमसे मेरी बात भी नहीं हो पाई। मुझे टेंशन होने लगी थी। एक मिनट, अब तुम ठीक हो? सुनैना मेरी बात सुन। नमन जी, आप हमारी बात सुनिए। हम वहां से जल्दी इसलिए निकल आए क्योंकि माँ को लेट हो रहा था, और घबराने की कोई बात नहीं है। और अगली बार से अगर आपको हमारे बारे में, परिवार के बारे में किसी से भी कुछ पूछना है ना, तो आप प्लीज पंकजा को फोन कीजिएगा। हमारे फोन पर फोन करना बंद कर दीजिए। जो हमारे सामने बोली हो ना, वो हमारे पीठ पीछे भी फॉलो करना, समझी? कल से शादी की रस्में शुरू हो रही है, तो कल से लेकर शादी तक हमारे नमन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखना। बाकी शादी के बाद तो हम उनको ऐसा ट्रेन कर देंगे कि तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखेंगे। बाकी तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, समझी तुम? सॉरी कान्हा जी, हमारी वजह से बेचारी पंकजा को भी गुस्सा आ गया, और हमने आज नमन जी से भी कितना रूडली बात की, पर अगर हम ये नहीं करते ना, तो दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कान्हा जी, आपकी सुनहना की आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इन दोनों के रिश्ते पर कोई भी आंच मत आने देना प्लीज। अगली बार से अगर आपको हमारे बारे में या परिवार के किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पूछना है ना, तो आप प्लीज पंकजा को फोन कीजिए। हमें फोन करना बंद कर दीजिए। तुम्हें कॉल करना बंद कर दो। तुम्हारी आवाज सुने बिना, तुम्हारी बातें किए बिना, तुम्हारी स्माइल देखे बिना, अगर कुछ ऐसा सोचता भी हूं तो भी मेरा दम घुटने लगता है। बहुत हक बचा भी है, वो अगले चार दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैसे जीऊंगा मैं? टेल मी सुनैना, प्लीज टेल मी। अभी हमारा माहौल खराब करने कौन आ गया बे? अरे रुको, दवाई पी रहे हैं, आ रहे हैं। अरे रुक नहीं सकते, कौन है आ गया परेशान करने? कौन है, का हो? अरे नमन, यहाँ क्या कर रहे हो? का हुआ? अरे का ढूंढ रहे हो, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। अरे कमान, ये तो मरवाएगा आज। नमन, अबे तुमको शादी कितनी ज्यादा खुशी है हा? लेकिन हमको मरवाने पे काहे तुले हो भाई? ये बैचलर पार्टी करने के लिए ले दे के तुमको हमारा ही कमरा मिला था। पार्टी? अबे ठीक है, पार्टी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए होती है।
लेकिन हमें तो इस शादी की कोई खुशी नहीं। सच बताए तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि हम कैद होने वाले, या सच कहें तो जैसे हम बर्बाद होने वाले। नमन, ये वाला फीलिंग तो मर्दों को शादी के बाद आता है। अबे तुमको एडवांस में कैसे आने लगा बे? हाँ चाचू, एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताना, क्या आप चाची के साथ खुश हो? कसाई के साथ कभी मेमना खुश रह सकता है? बे निकलो। नमन, अगर हम तुम्हारी चाची के साथ खुश होते तो हमको दूसरा पार्टनर काहे ढूंढना पड़ता है? यही हम भी यही कहना चाहते हैं। यही चीज हमारे साथ भी हो रही है। जिस लड़की के साथ एक पल बिताने का मन नहीं करता, उसके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। कैसे? क्या बोल रहा है रे तुम? हाँ, नमन, पंकजा अच्छी लड़की है और अच्छे घर से है, और सबसे बड़ी बात कि उसे तुम्हारे लिए भाभी ने पसंद किया है। उनकी बात को काटोगे तुम तो शादी कर ले। जिस लड़की से हम प्यार नहीं करते उससे शादी कर ले कैसे? अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। देखो यार नमन, शादी के बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाता है, अरे प्यार भी हो जाता है। हो जाएगा तुमको, आपको होगा। बस हम भी जिंदगी भर पछताना नहीं चाहते। अजीब, कहाँ हो गया आप? हमको यहाँ कहाँ बुलाए? फेरा रुकना पड़ेगा। बाकी मुझ से हमारा परिवार का बेइज्जती नहीं होना चाहिए। अम्मा जी, हम फेरा भी रुकवाएंगे और परिवार का इज्जत भी बचाएंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। और आज आपके इस प्राइवेट पार्टनर को हमारी तरफ से थैंक यू, क्योंकि इसने हमें आज हिम्मत दी। और हमारे अब जो ये दिल की बात है ना, इस दिल की बात को अब हम अभी जाके अपनी माँ को बताएंगे। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है, पार्टनर का नशा बोल रहा है। कहीं नहीं जाओगे तुम रात को? आज हम नहीं रुकेंगे। अगर आज नहीं बोले तो सब खत्म हो जाएगा। अरे यार मत करो नाटक रात को, समझे कि जाहिन हो जाएगा बेटा घर में। नमन, अरे नमन सुनो। नमन सिंह तो गयो, चलो बढ़िया है, भाभी के पीड़ित आदमी क्लब में एक और आदमी शामिल, हमको पीने के लिए कंपनी जो मिल जाएगी। वेलकम नमन। बेटा नमन, इतनी रात गए तुम सोए नहीं? शादी के पहले का नर्वसनेस है। माँ सो गए? अभी तो आंख बंद है और आधी नींद में ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जग को भर के लेके आओ, तो हम आते हैं, है ना? ऑर्डर पूरा करके।
कहा हुआ? माँ वो आपसे कुछ बात करनी है। इतनी रात को सब ठीक है ना बुआ? माँ आप तो जानती हैं ना कि हमने कभी भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई बात नहीं छिपाई। जब फेल हुए थे, जब किसी को मार के आते थे या किसी से पिट जाते थे, अपनी जिंदगी की पल पल की हरकत की अपडेट हम आपको देते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमारी माँ की ढाल, उनका गुस्सा, उनकी पिटाई, अगर इन सब चीज में किसी की भलाई है तो वो हमारी भलाई। आज भी हम आपसे कुछ कन्फेस करना है, हमें आपसे एक सच बताना है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरे हिसाब से सही है। माँ मैं पंकजा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुनैना से प्यार करता हूं। ये शादी नहीं हो सकती माँ, शादी नहीं हो सकती। मैं जहां जानता हूं आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आप सो गई। इतनी इंपॉर्टेंट बात सुने भी नहीं सो गई। आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। वैसे आप हमारी जिंदगी की पल पल की खबर रखती और आज इतनी जरूरी बात सुनने पे नहीं सो गए। कोई बात नहीं, जो हिम्मत आई है वो पता नहीं कल होगी या नहीं, इसलिए बात मुझे आपको आज बतानी पड़ेगी, भले ही आप इसे कल सुना। सॉरी माँ, मैं पंकजा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुनैना से प्यार करता हूँ। आप प्लीज ये शादी रोक दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। आजा मेरे नाल ले
let's dance, baby. आजा मेरे नाल, let's dance, baby. Let's dance. ये फूल के बीच में ना एन लिखो, एन से नमन, हमारे होने वाले पति. अब बेहोश तो कर दिया इसे, अब आगे क्या करना है? इसे कहीं छुपाना होगा ताकि अपनी सगाई पर पहुंच ना सके. सगाई नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी. ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे. पंकजा, तुम अपना हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ाओ और तब तक हम इन मेहंदी का फंक्शन में रंग जमाते हैं. मम्मी, ये वाला स्टेप कर लो ना, बहुत कूल लगेगा. देखो, हमको नहीं करना है लंगरी बंदरिया जैसा तिरछा होई के नाच. हमको जी साथ हम वैसे ही करेंगे. तुम जा रुको. हाँ, अभी हल्दी तैयार हो गया हो तो हम और भैया लेकर के निकलते हैं पंकजा के ससुराल. हाँ हाँ, हो गई है, ये लीजिए. आओ आओ, इधर आओ. ये मतलब आप मन बना ली हैं कि साथ में नहीं चलेंगे? कायदा तो यह कहता है कि घर का बड़ा होने के नाते हम दोनों को चलना चाहिए था. काश हम कायदा निभा पाते, पर क्या करें, मजबूर है. अब आप दोनों चलिए, हम यहाँ का प्रबंध देख लेंगे. ठीक है, ये लीजिए देव जी. बड़े पापा, मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? मुझे भी देखना है कि जीजू के घर पे शादी की तैयारियां कैसी चल रही है, प्लीज. अरे हम तो भूल ही गए थे, सिब्या बिटिया हमारे घर की अम्मा है. ए, सिब्या की परमिशन के बिना लड़के वाले कौनो तैयारी थोड़ी ना कर पाएंगे. चलिए. थैंक यू. मैं बस एक मिनट में आ जाइए, हम गाड़ी में बैठे हैं. सुने ना दी, चलो मेरे साथ, हमें नमन जीजू के घर जाना है. शिव्या, सुनैना कहीं नहीं जाएगी. हमारा मतलब है, अगर दोनों बहनें चली जाएंगी तो हमारा फंक्शन फीका नहीं पड़ जाएगा. ओहो दी, बस थोड़े टाइम की तो बात है, हम हल्दी देके लड़के वालों के घर से वापस आ जाएंगे. जल्दी आ जाएंगे, यू डोंट वरी. चलो दी. शिव्या, हमें कहीं नहीं जाना है, प्लीज. दी, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको शादी की सारे रस्में दिखाऊंगी. अब आप चलो मेरे साथ, चलो. शिव्या, हमने कहा ना, सुनैना कहीं नहीं जाएगी. लड़की पे आधा घंटा भी साथ नहीं बैठ सकती है, सुधा का पूरा मेहंदी खराब कर दिया है. चलो, अब तुम्हें नमन सिंह का एन ना सुनाना की हथेली पे छप गया है. खुश हो?
कोई बात नहीं चाची जी, हम अभी अभी ही से मिटा देते हैं। और ये जो मेहंदी वाली दीदी है ना, ये पंकजा को फिर से मेहंदी लगा देंगी, है ना दीदी? काहे नहीं लगाएंगे, बैठो बिटिया। शिव्या कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम पंकजा के पास रहते हैं, उसे हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना इसलिए। पर दी आप चलो। शिव्या, बाहर पापा और बड़े पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। सुनैना कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं कह रही हूँ ना, जाओ। अब चलो, दोबारा से मेहंदी लगाना पड़ेगा, चलो। इस बार एन नहीं, पूरा नमन लिखना, वो भी कैपिटल लेटर में, बड़ा बड़ा। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो अपशगुन हो गया हो। शादी हमको डामाडोल होती काहे लग रही है। नमन सिंह, नमन, नमन, वाह का है ये? सॉरी माँ, मैं पंकजा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुनैना से प्यार करता हूँ। का है ही?